हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन बहुत सी नाकामयाब औरतें हैं जिनके पीछे बड़े बड़े कामयाब आदमियों का हाथ है। जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं उन वंडर वेमेन की जिनकी वजह से कई सारे वंडर ऑफ साइंस हमारे सामने आ गए, लेकिन वो कभी हमारे सामने नहीं आ पाई। हिस्ट्री ऐसे बहुत से ग्रेट आदमियों से भरी हुई है जिनकी ग्रेटनेस उनकी नहीं है बल्कि किसी औरत की है, और वो ग्रेटनेस क्रेडिट के तौर पर उनसे चुरा ली गई है। तो इन्हीं में से पहला नाम है रोजालिंड फ्रैंकलिन का, जिनकी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी द डबल हेलिक्स। जी हाँ, द डबल हेलिक्स, जिससे कि हमें डीएनए के बारे में जानकारी मिलती है, जिसकी पहली तस्वीर फोटो 1951 में किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन में रोजालिंड फ्रैंकलिन ने क्रिएट की थी, जिसको ग्राउंड ब्रेकिंग इमेज कहा जाता है इस चीज़ की। इससे आगे चल के डीएनए की काफ़ी सारी जानकारी हमें मिली, लेकिन इसका नोबेल प्राइज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दो साइंटिस्ट जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस एच सी क्रिक्स को मिल गया था, क्योंकि वो भी इस प्रोजेक्ट के अंदर थे। हुआ यूँ था कि 1951 में इमेज को खोजने के बाद, दो साल इसकी स्टडी करने के बाद 1953 के अंदर इसका एक जर्नल छपा, जर्नल में इसका पेपर छपा, लेकिन आगे आगे तो वॉटसन और क्रिक का नाम था और फ्रैंकलिन का नाम बहुत आगे के पेजेस में था, इसलिए लोगों ने समझा कि ये डिस्कवरी वॉटसन और क्रिक की है, और इसीलिए फ्रैंकलिन को इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला। एक साल से भी ज़्यादा का वक्त लगा था इस पिक्चर को कैप्चर करने के लिए। 5 साल के बाद 1958 में क्रिक और वॉटसन को इसका नोबेल प्राइज मिला, लेकिन फ्रैंकलिन वहाँ पे नहीं थी, क्योंकि अगले ही साल 1954 में ओवेरियन कैंसर की वजह से फ्रैंकलिन की डेथ हो गई थी, और यही कारण है कि उनका जो योगदान था, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, वो दब के रह गया। इस काम के अलावा फ्रैंकलिन ने एक बहुत बड़ा काम ये किया था कि उन्होंने कोल की पोरोसिटी के बारे में बताया था। कोल की पोरोसिटी होती है कि कोल के अंदर, उसके एरिया में, उसके वॉल्यूम के अंदर बहुत सा ऐसा स्पेस होता है जो एम्प्टी होता है। इसी की मदद से आगे चल के गैस से बचने के लिए बहुत अच्छे मास्क बनाए गए थे। इसके अलावा उन्होंने आरएनए और वायरसेस के ऊपर काम किया, जिसमें उन्होंने एरॉन क्लुक की मदद की, जिससे उन्होंने 3D इमेज निकाली वायरसेस की, जिसकी वजह से एरॉन को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। अब आप लोग कहेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट तो जॉन टिंडल ने खोजा था, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने टिंडल इफेक्ट की भी खोज की थी, और साथ में ये भी बताया था कि अर्थ जो है वो वार्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो देखिए, ये भी एक पूरा सच नहीं है, क्योंकि 1850s में यूनिस फुट, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट और वुमेन राइट एक्टिविस्ट थी, उन्होंने लोगों के सामने ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट किया था। उन्होंने ग्लास के सिलेंडर्स में अलग अलग गैस भर ली और उसे सनलाइट में रख दिया, और उन्होंने ये बताया कि हर गैस का टेम्परेचर अलग अलग टाइम पे बढ़ता है, जबकि सूरज की लाइट एक जैसी है। तो उन्होंने ये बताया कि नेचर में जितनी भी गैसेस हैं, उनके अंदर जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का बेस था। लेकिन इसका क्रेडिट भी ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन टिंडल को मिल गया था, और उसका एक कारण था। कारण ये था कि ये डेमोन्स्ट्रेशन जब वो कॉन्फ्रेंस में करने जा रही थी, वहाँ पर महिलाओं को बोलने की आज़ादी नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो एक आदमी करेगा। अब ये कॉन्फ्रेंस जॉन टिंडल की डिस्कवरी से 3 साल पहले हो रही थी, क्योंकि जॉन टिंडल ने ये पब्लिश 1860 में किया था और ये 1857 में हो रहा था, राइट? तो इस तरीके से उनका क्रेडिट छिन गया। इसी लिस्ट में जो अगला नाम है वो है लीस मेंथेर का, जिन्होंने न्यूक्लियर फिजन की खोज की थी, और मैं आपको बता दूं, वो स्टूडेंट थी लेजेंडरी फिजिसिस्ट मैक्स प्लांक की। उस समय लीस अपने दो कॉलीग्स ऑटो हान और स्ट्रेसमैन के साथ यूरेनियम एटम के ऊपर काम कर रही थी, जहां पर उन्होंने एक बड़ा कमाल का आइडिया प्रपोज किया था, और वो आइडिया बड़ा लेजेंडरी था। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम लोग न्यूट्रॉन्स की बॉम्बिंग यूरेनियम एटम पर करवाएं तब क्या होगा। आपको पता है इससे न्यूक्लियर फिजन की शुरुआत हो गई थी। और मैं आपको बता दूं कि लीस एकमात्र ऐसी जर्मन वुमेन थी, पहली, जिन्हें जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसरशिप भी मिली थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी उनके साथ, वो ज्यूस थी और वो बर्लिन में रहती थी, और ये 1938 का टाइम चल रहा था, और आपको पता है कि उस समय जर्मनी में क्या हो रहा था। नाजीज से बचने के लिए अपनी रिसर्च और आइडियाज़ को पीछे छोड़ के वो स्टॉकहोम भाग गई। लीस के आइडिया पे उसके कॉलिग्स ने लगातार काम जारी रखा, और इसके रिजल्ट में उन्हें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले, न्यूक्लियर फिजन की शुरुआत हो गई, और आगे चल के ये कहा गया कि हान और स्ट्रेसमैन ने न्यूक्लियर फिजन की खोज की। 1945 में हान को नोबेल प्राइज मिला हैवी न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी के लिए, जहां पर लीस का नाम तो था ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज नॉमिनेशंस में जो लीस थी वो 49 बार गई, यानी कि 49 बार गई, लेकिन एक बार भी जीत नहीं पाई।
हाँ, 1966 में उन्हें यूएस गवर्नमेंट से एनरिको फर्मी अवार्ड मिला, जो कि न्यूक्लियर फिजन में उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए था, और उसके 2 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। तो इस तरीके से ये 3 वंडर वुमेन थी जिन्होंने वंडर ऑफ साइंस को तो लोगों को दिखाया, लेकिन शायद वो लोगों के सामने कभी आ नहीं पाई। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कई सोच हो सकती है। पहली सोच तो यही है कि जिसका आइडिया था, जिसने एक्सपेरिमेंट किया, जिसने डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उसको रिकॉग्निशन क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ उस ज़माने में की थी जहाँ पर लड़कियाँ, खासकर औरतें, उन्हें साइंस या फिर किसी फील्ड के अंदर इतनी आसानी से जगह नहीं मिलती थी। लेकिन उसके बावजूद ये प्राइजेज में कुछ नहीं रखा हुआ है। जो जन्म देने की ताकत एक औरत के अंदर होती है, वो एक आदमी में नहीं हो सकती। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स और हैं, और टाइम के साथ साथ मैं आपके सामने उन्हें लेके आऊँगा। यहाँ मैंने ये 3 एग्जाम्पल्स आपको इसलिए बताए हैं ताकि आप साइंस में विमेन की जो इम्पोर्टेंस है उसे समझ पाए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित रही होगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अब आपका काम ये है कि आप भी ऐसे किसी वंडर वुमन को जानते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर उसका नाम मेंशन जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।